नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है यह बहुत रिक्वेस्टेड है। सोचा छुट्टी का दिन है और आज आप लोगों को जो है ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाकर दे देता हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल जो आप लोगों का बहुत बार मेरे पास आता है कि सर जी, अप्रेंटिस करना सही है या गलत है? अगर हम अप्रेंटिस करते हैं, क्या हमें बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में या नहीं मिलेगा, या अप्रेंटिस करना बेकार है? देखो भाई, अगर एक सही एज पर, सही समय पर आप लोग अप्रेंटिस करते हैं, डेफिनेटली उसका फायदा है। लेकिन एक एज का बार क्रॉस होने के बाद आप लोग 27 में, 28 में, 25 में भी, 26 में भी अप्रेंटिस करते हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत सारी नौकरियों से आप लोग परे हो जाते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगा कि ऐसे कौन से विभाग हैं जहां पर अप्रेंटिस करने के बाद नौकरियां आती हैं। कुछ विभाग तो ऐसे हैं कि अगर आपने उसी विभाग से अप्रेंटिस करी है तो आप लोगों को उस विभाग में मौका मिल जाएगा। लेकिन कुछ विभाग ऐसे होते हैं, आपने कहीं से भी अप्रेंटिस की हो, आप लोग जो है उस विभाग में फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी 8-10 विभाग आप लोगों को बताऊंगा, और इसके अलावा और भी विभाग है, मैंने सारे इंक्लूड नहीं किए, जिस जिसमें मैंने रिसेंटली या 1-1.5 साल पहले या 2 साल पहले नौकरियां देखी है, मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये कुछ आप लोगों के सामने लोगो लगे हुए हैं डिपार्टमेंट्स के, आप लोग इन पे नजर मार सकते हैं। मैं एक एक करके आप लोगों को बता दूंगा और यह भी बता दूंगा कि किस बेसिस पे आप लोग वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला आप लोगों के सामने रेलवे, इसके बारे में कोई नहीं झुठला सकता कि अब रेलवे में 10वीं+ITI या 10वीं+ अप्रेंटिस वाले विद्यार्थियों को मौका मिलेगा। दोस्तों, एक ही बहुत बड़ा अवसर होगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों के लिए भर्ती आती है जो ग्रुप डी की ग्रुप से के तौर पर, तो आप लोगों को जो है यहाँ पर नौकरी से कोई नहीं पछाड़ सकता। आप लोग एक ऐसी कैटेगरी में आ जाओगे कि आप लोगों को एक सेपरेट मौका दिया जा रहा है। आप लोग एक बहुत बड़े कॉम्पिटिशन से निकल के एक जो है अलग कैटेगरी में आ जाओगे। तो एक रेलवे है, रेलवे में ग्रुप डी वाली जो वैकेंसी है, जो ग्रुप सी में चली जाएगी, उसमें तो आपको मौका मिलेगा ही नौकरी का फॉर्म फिल करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेड्स ऐसी हैं जिसमें ALP टेक्नीशियन में भी आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पहला आप लोगों के सामने यह है। दूसरा, NCL, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे वेट भी कर रहे हैं कि सर जी NCL की वैकेंसी कब आएगी, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि हेम ऑपरेटर की भी रिसेंटली वैकेंसी आई है, सर इसकी भी बता दीजिए। तो इसकी भी वैकेंसी आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगी, कोई एग्जैक्ट डेट में नहीं बोल सकता, लेकिन हेम ऑपरेटर की आई है तो आप लोगों को इसकी भी वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर ये विभाग नौकरी नहीं निकालता हेम ऑपरेटर के लिए, तो मैं आप लोगों को बोल देता कि ये विभाग IT के लिए भी नौकरियां नहीं निकालेगा, और इसमें भी NCL में जो भर्तियां निकलती है उसमें भी अप्रेंटिस वाले बच्चों को मौका दिया जाता है, लेकिन जिन्होंने NCL से अप्रेंटिस किए उनको वेटेज मिलती है। ठीक है, तो ये मैंने फायदा आप लोगों को बता दिया। रेलवे का भी यही सीन है, रेलवे से अगर आपने अप्रेंटिस की है तो आप लोगों को जो है बेनिफिट रेलवे वाले बच्चों को ही देखने को मिलता है। आगे नेक्स्ट विभाग है हमारे पास ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया में 2022 और 2021 में 4-4 यूनिट में वैकेंसी निकली थी, जहां पर मौका दिया था अप्रेंटिस वाले बच्चों को। ऑयल इंडिया से जिन्होंने अप्रेंटिस करी थी उनको बेनिफिट मिला था। ये जो ऑयल इंडिया है, इसकी मल्टीपल यूनिट अरुणाचल प्रदेश और असम में स्थित है, तो वहां के बच्चों को जो है यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का फायदा ज्यादा मिलता है। तो एक ये विभाग हो गया। इसके अलावा हमारे पास है नेवी ट्रेड्समैन। देखो भैया, जो नेवल डॉकयार्ड आप लोगों के लिए अप्रेंटिस निकलती है, मैं उसके लिए आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग वहां से करें, आप लोगों को बेनिफिट होगा और बच्चों को बेनिफिट हुआ भी है। अभी रिसेंटली जो एडमिट कार्ड आया है आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि उसे के ही एडमिट कार्ड है जिन्होंने नेवल डॉकयार्ड के बेस पे फॉर्म फिल किया था, और कुछ पोस्ट ऐसी भी थी जिसमें आप ITI बेस पे फॉर्म फिल कर सकते थे, वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर कर दिया था। तो अगर आपने नेवी स्कूल से, नेवल डॉकयार्ड से अप्रेंटिस किए, तो एक ये लोता विभाग है जो आप लोगों को नौकरी का फॉर्म फिल करने का मौका देता है। इसके बाद आप लोगों के पास है BEL। BEL में रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा, हालांकि BEL सेंट्रल डिपार्टमेंट है, लेकिन इन्होंने ऐसा किया क्यों इसके बारे में कोई खबर नहीं है। एक तो इन्होंने पुणे से वैकेंसी निकाली, एक निकाली आप लोगों के लिए तमिलनाडु से, और इन्होंने वहां के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन मांगा,
जिसकी वजह से अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पाए। यहाँ पर भी इन्होंने जो मौका दिया है आप लोग देख सकते हैं, जिन बच्चों ने दसवीं पास किया है, दसवीं के बाद आईटीआई किया है और वन ईयर की अप्रेंटिस की है, इनको मौका दिया था। फिटर, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जैसी ट्रेड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली थी। तो ये विभाग भी अब अप्रेंटिस बेस पे नौकरियां निकालने लग गया है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। इसके बाद हमारे पास है ये माझगांव डोक। देखो भैया, माझगांव डोक में जो पहले भर्तियां आती थी एक डेढ़ साल पहले, उसमें अप्रेंटिस वाले बच्चों को मौका दिया था जो माझगांव डोक से अप्रेंटिस करते हैं, लेकिन वो होती थी परमानेंट भर्तियां। लेकिन इस बार भी इन्होंने अप्रेंटिस वाले बच्चों को मौका दिया है, लेकिन जो भर्ती निकाली है मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट की 5 साल की निकाली है। तो इसके फॉर्म की डिटेल वीडियो मैंने सारी आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका फॉर्म फिल कर लिया होगा। बाद में डिसाइड कर लेना कि आप लोगों को ये नौकरी करनी है या नहीं करनी, अभी आप लोग इसका फॉर्म डाल दो, ठीक है। एक आप लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा किसी विभाग का पेपर देने का। देखो इसके 5 सेंटर दिए हैं, नासिक, मुंबई और 3 और है जो आप लोगों को महाराष्ट्र के ही दिए। मुंबई में इसका सेंटर होगा, तो जो मुंबई के आसपास के बच्चे हैं, महाराष्ट्र के आसपास के लोग हैं, उस स्टेट के लोग हैं, तो आप लोग फॉर्म डाल दो। अगर स्टेट के बच्चे डिसाइड कर लो कि आप वहां जाकर नासिक, मुंबई जैसी जगहों पर पेपर दे पाओगे नहीं दे पाओगे, वो बाद में डिसाइड कर लेना, अभी आप फॉर्म फिल कर लीजिए। तो एक ये और विभाग है, लेकिन बस इससे मैं असंतुष्ट थोड़ा सा इस वजह से हूँ क्योंकि इन्होंने अप्रेंटिस बेस पे नौकरी तो निकाली है, लेकिन इन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली है। अगर ये परमानेंट निकालते तो एक बहुत बड़ा मौका होता आईटी अप्रेंटिस वाले विद्यार्थियों के लिए। कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी इस नौकरी के लिए एक्सपीरियंस मांगा है आईटी ट्रेड्स के लिए, तो भैया नोटिस को ठीक से देखो, मेरी वीडियो जो बनाई गई है उसे ठीक से देखो, उसमें बहुत सारे ट्रेड्स ऐसी है जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा। मैंने आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का फॉर्म फिल करके बताया था, उसमें भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास ऑप्शन है वहां पर अप्रेंटिस का एक्सपीरियंस डालने का या ना डालने का। अब भैया नेक्स्ट हमारे पास है सेल। सेल में आप लोगों को पता ही है, आई थिंक 2021 या 22 की स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए वैकेंसी आई थी जिसमें सिर्फ अप्रेंटिस वाले बच्चों को मौका दिया था, और एक बहुत बड़ा मौका था उन बच्चों के लिए जिन्होंने सेल से अप्रेंटिस करी थी, और उनके लिए अवसर आया था। आप लोग देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन, ठीक है, और साथ में 1 ईयर ड्यूरेशन की आप लोगों को अप्रेंटिस चाहिए थी, ये आप देख सकते हैं। तो जिन्होंने सेल से अप्रेंटिस करी थी उनको ये मौका दिया था, और वो अभी जो है इस अवसर का फायदा उठा चुके हैं, ठीक है। तो एक सेल वाला विभाग भी है। उसके बाद हमारे पास है भैया ये जो करेंसी नोट प्रेस की वैकेंसी आती है। देखो 2022 में इन्होंने 4-5 यूनिट से अपनी वैकेंसी निकाली, लेकिन इन्होंने अप्रेंटिस का क्राइटेरिया नहीं रखा, सिंपल आईटीआई बेस पे फॉर्म निकाल दिए। लेकिन इससे पहले जो उनके फॉर्म आते थे वो अप्रेंटिस बेस पे ही होते थे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एनएससी साफ साफ लिखा हुआ है। तो मेरी नजर में आप लोगों के लिए विभाग थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। आशा करता हूं कि जो मैंने वीडियो आप लोगों को दी है इससे थोड़ी सी आप लोगों को जो है ऊर्जा मिली होगी, आप लोगों की अप्रेंटिस वेस्ट नहीं जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट टाइम आप ऐसे कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं जिस पे आप लोगों को परेशानी हो रही है। एक चीज और, ये जो नोटिस है रेलवे का, ये असली नोटिस है जो मैंने आप लोगों के लिए स्टार्टिंग में लगाया, ये वाला। इसमें साफ साफ मेंशन्ड है कि अब जो क्वालिफिकेशन होगी ग्रुप सी की, ग्रुप डी की वैकेंसी पर, वो या तो 10th+ आईटीआई होगी या फिर 10th+ अप्रेंटिसशिप होगी। ये नोटिस में सब कुछ साफ साफ मेंशन है, अगर आप बोलोगे तो एक सेपरेट वीडियो में दोबारा से इस नोटिस को क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप उसे ज्वाइन कर लो। वहां पर 10,000 से ऊपर बच्चे हैं जो आपस में एक दूसरे से बातें करके अपनी समस्याओं का समाधान निकलवाते हैं, और कभी कभी वहां पर मैं अच्छे तरीके से एक्टिव होता हूँ और आप लोगों के सवालों के जवाब प्रॉपर तरीके से दे देता हूँ। इसके बाद एक और चीज है, आप लोगों को याद होगा मैंने लगभग 1 साल पहले आप लोगों के लिए एक मेंबरशिप स्टार्ट की थी। बच्चों ने जो है बोला कि सर जी आपका कॉल नहीं लग रहा, अब आप कॉल करके देख लीजिए आपका नंबर जो है प्रॉपर तरीके से एक्टिव हो गया है, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो आपको मैंने दिया था, और अपनी अपनी समस्याओं का समाधान मुझसे ले सकते हैं। धन्यवाद, कीप इन टच। आशा करता हूँ वीडियो में आप लोगों को कोई कमी नहीं लगी होगी, अगर कोई कमी लगी तो मुझे आप लोग जरूर बताना। धन्यवाद।